हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप HP 15S विंडोज 11 लैपटॉप में व्हाट्सएप ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए गाइस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी YouTube वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो HP 15S लैपटॉप में कैसे आप WhatsApp को डाउनलोड कर सकते हो, तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को खोलना है। इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर थोड़ी देर बाद ओपन हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का जो ऐप है यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको व्हाट्सएप को खोजना है। व्हाट्सएप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है व्हाट्सएप का ऐप। यदि आपको व्हाट्सएप का ऐप यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो गाइज क्या करना है, आपको ऊपर में सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप को लिख के सर्च कर लीजिए। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद व्हाट्सएप सबसे पहले आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर गाइज आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। इसे डाउनलोड करने के लिए गाइज यहाँ पर आपको यहाँ पर इंस्टॉल या फिर गेट का ऑप्शन मिल जाएगा, GET गेट या फिर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास व्हाट्सएप ऑलरेडी है तो इसलिए यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप इस तरह से व्हाट्सएप को डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी MB है व्हाट्सएप का उसके लिए आपको उतना ही इंतजार करना है डाउनलोड होने के लिए। यदि आपका इंटरनेट फास्ट है तो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, ओपन के ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सएप को खोल सकते हो। और व्हाट्सएप को खोलने के लिए आपको वहाँ पर अपने फोन से एक QR कोड को स्कैन करना होता है, उसके बाद आप उसे खोल सकते हो। इस तरह से गाइज आप डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप ऐप को। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। चलिए गाइज वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।